Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. आपसे क्या बात की और आपका क्या मांग थी? देखिए, महाराष्ट्र में रहने वाले हर भले वो परप्रांतीय हो, उसको मराठी की जानकारी होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र हमारी भूमि है और यहाँ पे काम करने के हिसाब से अडानी कंपनी ने मराठी भाषा में, अंग्रेजी में और हिंदी में बिल देना चाहिए, मगर उन्होंने गुजराती भाषा में बिल दिया। हमारा आक्षेप किसी भाषा के लिए नहीं था, हमने यही कहा कि महाराष्ट्र में आप अगर बिजनेस करते हो तो मराठी भाषा आनी ही चाहिए। गुजरात में अगर अडानी की बीज है तो इलेक्ट्रिसिटी मराठी भाषा में थोड़ी उधर बिल दिए जाते हैं, उधर गुजराती भाषा में दिए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में अगर बिल देना चाहिए तो मराठी भाषा में ही देना चाहिए। और यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें माफ़ी मांगी है और उन्होंने यहाँ पे कहा कि हमने जो की वो शायद हमारी गलती है, इसलिए बाद में जो भी हमारे बिल है वो मराठी भाषा में आए। आपको लिखित रूप से कोई पत्र दिया गया अडानी ग्रुप की तरफ से? अडानी ग्रुप की जो यहाँ के इंचार्ज है मिस्टर भिंडारे, उन्होंने लिखित रूप से माफीनामा दिया है शिवसेना के सभी सदस्यों को, और साथ ही में इसके बाद में जो बिल है वो बिल मराठी भाषा में दिए जाने का उन्होंने हमको लेटर दिया, इसलिए आज का आंदोलन यहाँ पे स्थगित किया गया।